यूक्रेन युद्ध में नेटो समेत तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं ताकि यूक्रेन रूस की सेना का डटकर सामना कर पाए। हालांकि इस युद्ध में नेटो सीधे रूस से टक्कर नहीं ले रहा है, लेकिन वो यूक्रेन को असलाह सप्लाई करके एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में लड़ रहा है। हालांकि हथियारों की सप्लाई को लेकर रूस बार बार अमेरिका और नेटो को चेतावनी देता आया है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। और अब इसी को लेकर रूस ने नेटो पर एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसे देखकर लगता है कि ये युद्ध किसी खौफनाक अंजाम तक पहुंच सकता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत दिमित्री पोलियांस्की ने कहा कि ये युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर नेटो और रूस के बीच सीधी जंग हो सकती है। दरअसल रूस के राजदूत का आरोप है कि अमेरिका की अगुवाई वाला मिलिट्री ब्लॉक रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में बड़ी ही गहराई से शामिल है। इसको लेकर पोलियांस्की का कहना है कि हम बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि हालात बेहद ही खतरनाक हैं और इसमें रूस और नेटो के बीच सीधा युद्ध होने का खतरा है। अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन ने सीधे सैनिक तैनात न करके यूक्रेनी सैनिकों को हर तरह से मदद दी है। रूस को ऐसे कई संकेत मिले हैं जिनमें पता चला है कि यूक्रेन में कुछ प्रशिक्षक और भाड़े के सैनिक हैं। आपको बता दें कि पोलियांस्की का सीधा इशारा नेटो के सैनिकों की तरफ था। हालांकि उन्होंने इसको लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए, लेकिन उन्होंने उन अजीब मैसेजेस का भी जिक्र किया जिसमें नेटो के अधिकारियों और जनरल्स की मौत का जिक्र है, और इसी वजह से रूस को ये शक हो रहा है कि यूक्रेन में नेटो के सैनिक जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा रूस का ये भी कहना है कि वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नेटो के सैनिकों ने यूक्रेन में कुछ विशेष कार्रवाई में हिस्सा लिया है। हालांकि ये कौन से मिलिट्री एक्शन थे, रूस के राजदूत पोलियांस्की ने इस बारे में कोई ठोस जानकारी साझा नहीं की है।